शाहिद अफरीदी की बड़ी बेटी की शादी की तकरीबात शुरू हो गई। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की बड़ी बेटी की मेहंदी की तकरीब की तस्वीर वायरल हो गई हैं जब शादी की तकरीबात शुरू हो गई हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मेहंदी की तकरीब कल 28 दिसंबर को एक मुबाशरत इज्तिमा में मुनक्किद की गई थी जबकि बारात की तकरीब 30 दिसंबर को शेड्यूल है। अक्सा की शादी का एक डिजिटल दावती कार्ड भी ऑनलाइन मंजर आम पर आया है जिसमें दिखाया गया है कि वो नसीर नासिर के साथ शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। जबकि शाहिद अफरीदी की दरमियानी बेटी अंशा की मंगनी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से हुई है और उनकी शादी फरवरी 2023 में तय है। इस साल के शुरू में इस स्टार खिलाड़ी को पाकिस्तान के कौमी स्क्वाड का उबूरी चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया था जब नजम सेठी को रमीज राजा की जगह पर पीसीबी चेयरमैन मुकर्रर किया गया। शाहीन अफरीदी और अंशा अफरीदी की शादी की तारीख तय। ये पाकिस्तान के तेज़ रफ्तार खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी और स्टार खिलाड़ी शाहिद अफरीदी की बेटी अंशा अफरीदी के लिए नई इनिंग्स का वक्त है। अफरीदी के ख़ानदान के हवाले से मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शाहीन और अंशा 3 फरवरी 2023 को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। बताया गया है कि नौजवान जोड़े के अहले खाना इस वक्त निकाह की तकरीब की तैयारी कर रहे हैं और शादी की बाकी तकरीबात बाद की तारीख में होने वाली हैं। अफरीदी ने तकरीबन 2 साल कबल अंशा से मंगनी की थी और इससे कबल फास्ट बॉलर ने इनकशाफ किया था कि वो अफरीदी की बेटी से शादी करना चाहते थे। शाहिद अफरीदी ने इससे कबल तस्दीक की थी कि शाहीन उनके दामाद होंगे। उन्होंने कहा था कि उनके ख़ानदान ने शादी की तजवीज़ कबूल कर ली है। दोनों ख़ानदान आपस में रबते में हैं। मैचेस जन्नत में बनते हैं। अल्लाह ने चाहा तो ये मैच भी हो जाएगा। मेरी दुआएं शाहीन के साथ हैं कि वो मैदान में और बाहर उनकी मुसलसल कामयाबियां हासिल करें। शाहीन इस वक्त सर्जिकल तरीक़ेकार और घुटने की इंजरी की वजह से मैदान से बाहर हैं और बैनुल अक्वामी क्रिकेट में उनकी वापसी फास्ट बॉलर के बहाली प्रोग्राम की कामयाबी से मशरूत होगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा मीज़ान TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।